वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ राजिम और वहाँ पे अभी लगा है कुंभ मेला। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग में से कितने लोग को पता है कि कमल विहार का नाम चेंज करके कौशल्या माता विहार कर दिए? मैं तो आज देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक के तो पता था कि कमल विहार ही बोलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं राजिम और कुंभ मेला के बस थोड़ा ही दूर है यहाँ से। और यहाँ पे रोड वगैरह को भी कितना प्यारा सजा के रखे है, हर जगह भगवा ही भगवा दिख रहा था और दूर से ही सारा डेकोरेशन वगैरह दिख रहा था। पर यहाँ पे महानदी का पानी इतना कम कैसे हो गया, मतलब अभी तो गर्मी बस स्टार्ट ही हुई है फिर भी बहुत कम पानी दिख रहा था आज। तो आज का वेदर भी बहुत अच्छा था, मतलब इतना ज्यादा गर्मी भी नहीं था और ठंड भी नहीं था, तो घूमने में अच्छा नहीं जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ पास वाले को अलाउड था अंदर जाना, बाकी को पार्किंग में ही लगाना पड़ेगा गाड़ी। तो हम लोग पार्क पे लगा के आ गए हैं और बहुत दूर तक हम लोग को पैदल चलना पड़ा। हम लोग का गाड़ी कितना दूर से पार्क की 10 किलोमीटर बाइक नहीं लेके तो ये दूर से हमको राम जी के दर्शन हो गए। और जैसे कि रायपुर में भी बना है कौशल्या माता विहार में, वैसे ही सेम यहाँ पे भी राम जी की स्थापना की गई है जो दूर से ही दिख जा रहे थे हमको। बाकी मैं पास से भी जाके आप लोग को दिखाऊंगी, दर्शन करवाऊंगी। उससे पहले हम लोग पहले मंदिर जाके दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पे आज मेला को लगे हुए दूसरा दिन है इसलिए अभी ज़्यादातर भीड़ है नहीं, तो अच्छे से हम लोग के दर्शन हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि राम और श्याम मतलब तुलसी एक ही डाली पे दो अलग अलग कलर की, तो इसको राम और श्याम बोलते हैं। तो आप लोग में से कोई देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे मंदिर इतना प्यारा लग रहा था, तो यहाँ पे मंदिर इतना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और शाम की लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छी होगी, मतलब अभी तो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन शाम का लाइटिंग बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। जितना भी पूछोगे वो वापस आने करके ऐसे ही करोगे। चलो चलो तो चलो चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान जी के। अगर जितना देर तक के मुझे मिल पाया कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ तो कर लूँगी, नहीं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे कैमरा वगैरह फोटो वगैरह खींचना, क्योंकि उसके कारण ही बहुत ज़्यादा और भीड़ हो जाती है ना, एक को देख के और चार लोग भी बनाने लग जाते हैं। इसलिए तो जितना दूर हो सके उतना दूर तक के मैं आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर देती हूँ, बाकी तो आप लोग आके भी दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दूर से ही मेरे कान्हा जी देख गए। और यहाँ पे एक बच्चा मना कर रहा था कि आप वीडियो मत बनाओ नहीं तो आपका मोबाइल को मैं दान पेटी में डाल दूंगा। मैं बोली कौन से वाले पे डालोगे बताओ। और यहाँ पे जगन्नाथ भगवान के भी दर्शन किए। और सच में यहाँ पे शाम को जैसे आएंगे तो बहुत अच्छा लाइटिंग होगा। अगर मैं रुकी शाम तक के तो आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत अच्छा होगा, मतलब लाइटिंग वगैरह हर जगह पे लगी हुई थी। और आज का वेदर भी बहुत अच्छा था सच में। और ये है जगन्नाथ भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे भी कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था तो मैं दर्शन करके आ गई और बाहर से ही आप लोग को दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारा फोटो वगैरह खिंचाए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था ये झोपड़ी टाइप जो बना है, लेकिन हमारे साथ मोए मोए हो रहा था, कोई ना कोई आ ही जा रहा था, पता है वीडियो ले रही है पर फिर भी आ जाता। तो यहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग मतलब साधवी अम्मा भी थी जिनका बाल पूरा मतलब जो जटा है वो पूरा जमीन तक के आ गया है।
और यहाँ पे मंदिर एंटर करने के लिए गेट था जहाँ पे इतना प्यारा आ रहा था, फोटो वीडियो भी बहुत सुंदर आ रहा था। और यहाँ पे मतलब जो भी है नक्काशी वगैरह और जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर पे। तो आप लोग जाके शॉर्ट्स वगैरह पे भी चेक करना, मैं उस पर भी वीडियो वगैरह बहुत सारा डालने वाली हूँ अभी। और उसके बाद हम लोग जाएंगे लक्ष्मण झूला, और इसके बाद यहाँ पे मामा माचा मंदिर भी है, तो सबसे पहले वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं, हम लोग दर्शन करके आ गए गाइस। कहाँ का? भोलेनाथ का भी और जगन्नाथ भगवान का भी दर्शन करके आ गए हैं। और अब हम लोग जाएंगे मेला, लेकिन थोड़ा वीडियो बनाने का मना था इसलिए कम कम आया होगा वीडियो थोड़ा थोड़ा। तो हम लोगों के लिए मेरा भाई अभी पानी भर के लाया है। तो गाइस मेले के बाद मेरे को बहुत भूख लग रहा है, भूख लग रही है। पहले अपन कुछ खाएंगे पिएंगे तब तो एनर्जी आएगा घूमने के लिए। मेला में इतना बड़ा मेला है, बहुत बहुत ज़्यादा का सोच, पर उतना ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं है अभी, मतलब कुंभ मेला के हिसाब से ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। करना क्या चाहते हैं है ना, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है उतना, पर ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी चालू, दो ही दिन तो हुआ है अभी। अभी तो ये आ गया मामा भाचा मंदिर, और यहाँ पे सबसे पहले दर्शन करते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि मामा और भाचा या भाची जो भी है वो साथ में यहाँ पे नदी क्रॉस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख गए मेरे हरी और हर दोनों एक जगह पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो मैं आप लोग को भी दर्शन करवाती हूँ। तो ये है राम सेतु का शिला, तो इनका भी दर्शन कर लिए। और यहाँ पे मेरी हरी और हर, और ये बच्चा पता नहीं क्या ही कर रहा था, ये मास्क लगा के बहुत क्यूट लग रहा था मुझे। और फिर मैंने बोला कि तिलक वगैरह भी लगवाते हैं, तो ये प्यारे प्यारे बच्चे लोग बैठे थे यहाँ पे, बहुत प्यारा टीका लगाए मुझे, मतलब मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है तिलक लगाना। ओए मैडम देखो, बहुत बड़ा एक ऐसा तो ये आ गया मामा भाचा मंदिर। तो चलो चलते हैं दर्शन करते हैं भोले बाबा की। तो ये हमारे भोले बाबा, इनका भी श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ था। और यहाँ से लक्ष्मण झूला के लिए जाते हैं, और यहाँ से मतलब एक टिकट देते हैं, मतलब उसका कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन आप लोग को टिकट लेना पड़ता है कि पता चले कि कितने लोग हैं। और यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा डेकोरेशन वगैरह हुआ था सब। अभी शाम को यहाँ पे मतलब जैसे गंगा आरती वगैरह होती है वैसा भी होने वाला है। और यहाँ पे इतने सारे चेयर्स वगैरह लगा के रखी थी, शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम वगैरह होगा। और यहाँ पे लक्ष्मण झूला के ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा था बाप रे कितना ज्यादा क्राउड है, अभी नीचे देखने के बाद पता चल रहा था। ऐसे तो हम लोग अभी नीचे से आए तो उतना ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ से देखने के बाद लग रहा है कि बहुत भीड़ है। और ये लक्ष्मण झूला भी बहुत बड़ा है, मतलब आप चलते चलते थक जाओगे। तो यहाँ पे लक्ष्मण झूला पे आने का एक फायदा है कि आपको नीचे की एक्टिविटी सारी चीजें पता चल जाएगी कि किस डायरेक्शन में आप लोग को जाना है और कौन कौन सी एक्टिविटी वगैरह करनी है, यहाँ से सब कुछ अच्छे से दिख जा रहा था। तो हम लोग पहले ही सेलेक्ट कर लिए थे कि यहाँ यहाँ पे पहले जाना है करके। और यहाँ पे भोले बाबा भी दिख गए,
मतलब बहुत अच्छा हुआ था यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह। यहाँ पे कछुआ भी बनाए थे, जो सारा प्रोग्राम वगैरह होगा सब शाम को ही होगा, इसलिए अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे मेरा भाई को बहुत भूख लग रही थी, तो बोल रहा था जल्दी चलो दीदी कुछ खाना है, जल्दी चलो देखिए। और मैं यहाँ पे भी ब्लॉग ही बना रही थी। आज का वेदर बहुत अच्छा था, इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, इसलिए घूमने पे अच्छा लग रहा था। और वीडियो फोटो भी बहुत अच्छी अच्छी आई है, मैं आप लोग को पोस्ट करूँगी तो आप लोग ज़रूर देखना। तो यहाँ पे बहुत सारे साधु वगैरह भी आए थे, जिनसे बच्चे लोग बड़े लोग सब कोई मतलब झड़ी लगवा रहे थे और बबूत वगैरह ले रहे थे, मतलब आशीर्वाद ले रहे थे एक तौर पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे से देख के आप लोग को पता चल रहा होगा कि कितना क्राउड है, मतलब अभी उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो आप लोग भी सोच रहे हो क्योंकि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे रंगोली दिखी रेत से बनी हुई, तो यहाँ पे मुझे रंगोली दिखी रेत से बनी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो मैं तुरंत नीचे जाने के लिए जिद करने लगी। और यहाँ पे आ गए हम लोग फाइनली कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे गरम गरम अभी समोसा वगैरह बड़ा वगैरह सब निकल रहा था, तो बोली कि चलो यहीं पर ही खा लेते हैं पहले, उसके बाद ही जाएंगे अब मेला पे। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे राम जी के पास में। तो ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं कितना तारीफ करूँ उतना कम है, मतलब बहुत अच्छा बनाए थे। मतलब सच में यार दुनिया में कला की कमी नहीं है, बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। और ये ब्रिज भी कितना प्यारा लग रहा था, मतलब ये अभी बना है, मैं इसके पहले यहाँ पे आई नहीं हूँ, अभी बहुत टाइम बाद यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेला वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा था, पहले तो एकदम हॉटस्पॉट टाइप हो जाता था लेकिन अभी बहुत बड़ा हो गया है। और यहाँ पे मुझे मेहंदी वाली दिख गई, तो मैं बोली कि यार लगवा लेती हूँ, मुझे मेहंदी का बहुत शौक है। मतलब पहले ऐसा था कि एक निकला नहीं रहता था और मैं दूसरा फिर से लगवा लेती थी, लेकिन अभी कोई लगाने वाला मुझे मिलता ही नहीं है, तो क्या करें। पर आज मुझे दिख गया तो सोची क्यों ना यहीं पर ही लगवा लेती हूँ मैं। तो इसका रेट था 20 रुपये, और यहाँ पे अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आप लोगों को क्या बनवाना है, मतलब पकवान वगैरह का भी रहता है, तो जैसे एक दो सूट वगैरह करना है उसके लिए ये अच्छा रहता है कि तुरंत लगवाओ, मतलब रहता है एक दिन के आसपास तो रहता ही है, उसके बाद फिर निकल जाता है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। मुझे तो बहुत शौक़ है मेहंदी का। और ये देखते देखते पूरा हाथ भर गया था मेरा, मतलब मैं सोची थी कि थोड़ा अच्छा लगेगा लेकिन ये पूरा हॉटस्पॉट टाइप हो गया था, पूरा भर गया था मेरा हाथ, लेकिन ठीक है। कैसे लग रहा बताओ। और यहाँ पे हम लोग को सांप दिखा, और ये लड़का उससे पता नहीं क्या ही बात कर रहा था। सब कुछ तेरा दूर रहेगा। और फिर मैं यहाँ पे मैं भी गले पे ले ली, और ये सांप देखते ही साथ मतलब गले पे ऐसे लॉक कर लिया था, और मेरे बाल वगैरह भी उससे फंस गए थे। तो सब कोई इतने लोग वीडियो बनाने लग गए थे, इतने लोग फोटो खींचने लग गए थे कि ऐसा कुछ लड़की करती नहीं है,
करके बहुत लोग, क्योंकि लड़कियों को यही सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरे घर पे तो हर दो दिन तीन दिन में निकलते ही रहता है, क्योंकि पेड़ है ना बाजू में और तालाब भी है, इसलिए हर टाइम निकलते ही रहता है, तो मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। तो यहाँ पे इतने सारे स्टॉल लगे थे, मतलब हर वैरायटी वैरायटी की चीज़ें थे यहाँ पे। लगवा के आ गई हो टैटू बनवाएगा क्या? चलो मेरा नाम लिखवा ले। अभी नहीं, बाद में। ये अभी से हाथ खाली कब दे रहे हैं? मेरा 100 रुपए में बैग, वो क्या बोलते हैं, 150 रुपए कलर। यहाँ पर नहीं करूँगा बाहर। अच्छा तोता के ले लेना, जी डर आना। बोलो दीदी, चलो कितना घूम घूम के थक गए हैं, और हम लोग बैठे भी कहाँ पे हैं? मैं तो फिर से थक गई। मामा भाजा मंदिर और मामा के साथ नहीं आई हूँ, मामा के लड़के के साथ आई हूँ मैं। चलो भाई, अभी बहुत दूर का सफर फिर से तय करना है। चलो चलो चलते, चलो चलो चलो। जय श्री राम, जय श्री राम। मस्त मस्त फोटो खींचा है। तो हम लोग आ गए हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, और माता रानी भी बहुत प्यारे लग रहे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे चल रहा था कुछ फाउंटेन शो टाइप, मतलब पानी वगैरह का कुछ चल रहा था यहाँ पे। अभी स्टार्ट होने वाला है शाम के टाइम पे ही, तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, मतलब 5:30 बजा था, लेकिन यहाँ पे 7-8 बजे के आसपास में ही फाउंटेन शो वगैरह बहुत अच्छा, और भी सब चीज़ें एक्टिविटी सब स्टार्ट होने वाली है। ज़्यादातर वॉइस को मुझे म्यूट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग वगैरह चल रहा था तो कॉपीराइट लग जाएगा अगर कि बंद कर दी थी। तो अगर आप लोग पहले दर्शन कर चुके होगे या फिर उसके बाद दर्शन करना चाहते होगे, पहले मिलना घूमना चाहते होगे, तो यहाँ से भी आप लोग जा सकते हो। और यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था, मतलब हर जगह पे लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये तो बस भुक्कड़। तो आप लोग में से यहाँ पे राम फल, मतलब कि श्री राम कंदमूल, मतलब ये फल किसने किसने खाया है कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग को इसका टेस्ट कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब समझ में, मतलब एक सिंघाड़ा के जैसे लगता है, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा खट्टा या कुछ भी, मतलब उस टाइप का नहीं रहता, मतलब सिंघाड़ा के टाइप का।
तो ये नाइट के टाइम का व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है लाइटिंग वगैरह सच में। और मैं यहाँ पे अभी सेकंड टाइम फिर से आऊँगी, थोड़ा क्राउड वगैरह रहेगा तो और मज़ा आता है मेला वगैरह घूमने में, तो मेले पे आए ऐसा लगता है ना। तो आज उतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन मैं सेकेंड टाइम फिर से आऊँगी। और ये दूर से ही इसका व्यू कितना मस्त लग रहा है, कहीं बाहर की सिटी का है ऐसा लग रहा है ये व्यू। तो अब हम चलते हैं घर। तो आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आते आते बहुत लेट हो गया हम लोग, बहुत लेट हो गया, मतलब 10 बज गए और मेरी मेहंदी भी आते तक की निकल गई, इतनी प्यारी मेहंदी लगवाई थी जो पूरी निकल चुकी है देख लो। और अभी से मैं होली खेल के आ गई हूँ, इस टाइप का लाल हो गया है, कोई मतलब नहीं हुआ। मैं सोची थी कि घर जाने के बाद एक दो और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सब खत्म हो गया हमारे साथ। पता नहीं कितने बारी आज मोए मोए हुआ, 3-4 बारी वीडियो बनाते वक्त लोग आ जाते हैं, मतलब वो फुल वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तो आप लोग को पता चल ही गया होगा अभी तक की। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज। और नेक्स्ट व्लॉग और क्या होना चाहिए वो कमेंट करके आप लोग बताओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।